मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी एक्टर मिशाल रहेजा ने हाल ही में सुशांत सिंह को लेकर कई गंभीर खुलासे किए हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बायोपिक में काम करने की इच्छा भी जताई है। इसके अलावा उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी कई खुलासे किए हैं और बताया है कि वो भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही टीवी इंडस्ट्री में आए थे और उन दोनों ने ही टीवी इंडस्ट्री में साथ में कदम रखा था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो पॉलिटिक्स में भी आना चाहते हैं। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में मिशाल रहेजा ने क्या कुछ कहा, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। टीवी एक्टर मिशाल रहेजा ने लव स्टोरी, इश्क का रंग सफेद और कुमकुम भाग्य जैसे सीरियल से खूब नाम कमाया है। वो अब एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी कर रहे हैं। मिशाल का पहला हिंदी गाना सारा गूगल रिलीज हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर बनने से पहले मिशाल अमेरिका में रहते थे? यही नहीं, वो वहाँ एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे जिसे छोड़कर वो इंडिया आ गए और एक्टर बनने का फैसला किया। हाल ही में मिशाल रहेजा ने अपनी इस जर्नी को लेकर एक इंटरव्यू में कई मज़ेदार बातें बताई हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं अपने इस इंटरव्यू में मिशाल रहेजा ने अपनी ज़िंदगी से जुड़े कौन कौन से राजों पर खुलासा किया है। छोटे पर्दे पर अपनी इंटेंस अदाओं से फीमेल फैंस को दीवाना बनाने वाले मिशाल रहेजा अपनी लव लाइफ को लेकर खासे कंफ्यूज हैं। इंटरव्यू में बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सिंगल हैं, तो जवाब में उन्होंने कहा, हाँ मैं सिंगल हूँ, नहीं नहीं, असल में मैं कंफ्यूज हूँ, कोरोना की मार मेरे प्यार पर भी पड़ी है, रिलेशनशिप में दूरियाँ अच्छी नहीं होती हैं, इधर मैं कह रहा हूँ कि मैं सिंगल नहीं हूँ, उधर वो भी कहती है कि वो सिंगल नहीं है, ये नए ज़माने का प्यार है, मैं बड़ा सिंपल हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से खुश होता हूँ। टीवी एक्टर मिशाल रहेजा अब सिंगिंग की दुनिया में भी कदम जमाने जा रहे हैं। करीब 10 साल एक्टिंग करने के बाद अब वो सिंगर बनने जा रहे हैं। हालांकि वो एक्टिंग करना नहीं छोड़ेंगे। अपने इंटरव्यू में बातचीत के दौरान मिशाल बताते हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। दरअसल मिशाल ने बताया कि सिंगर बनना मेरा बचपन का सपना है। मैंने जब इंग्लिश गाना गाया तो खूब तारीफ हुई, इसलिए लोगों के कहने पर अब हिंदी गाना रिकॉर्ड किया है। लव स्टोरी, लागी तुझसे लगन, मानो या ना मानो, इश्क का रंग सफ़ेद और कुमकुम भाग्य जैसे टीवी सीरियल से मिशाल रहेजा को खूब पहचान मिली और हाल ही में वो एक म्यूज़िक वीडियो में नज़र आए हैं जिसका नाम है सारा गूगल। इस वीडियो में मिशाल ने एक्टिंग करने के साथ साथ इसे अपनी आवाज़ से भी सजाया है। इस म्यूज़िक वीडियो के साथ मिशाल सिंगिंग की दुनिया में भी अपना डेब्यू कर रहे हैं। इस वीडियो को प्रोड्यूस भी मिशाल ने ही किया है। फिल्मों और म्यूज़िक वीडियो के मशहूर डायरेक्टर संजय एफ गुप्ता ने इस सिंगल का डायरेक्शन किया है। अपने बातचीत में मिशाल रहेजा ने कहा कि वो फिल्मों से नेम और फेम कमाकर खूब पैसा कमाना चाहते हैं और बाद में देश की पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। मिशाल ने कहा कि उनके पास देश को पूरी तरह बदलने के कई प्लान हैं। वो पॉलिटिक्स में आने के बाद देश बदल देंगे। अब आप आगे देखिए कि मिशाल ने अपने इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। दरअसल मिशाल ने अपने इस इंटरव्यू में अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा कि वो अब बॉलीवुड में भी अपना परचम लहराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो उनके दोस्त सुशांत सिंह राजपूत की बायोपिक में काम करना चाहते हैं। मिशाल अपने इस इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं पर्दे पर सुशांत सिंह राजपूत का किरदार निभाना चाहता हूँ। मैंने और सुशांत ने एक साथ काम शुरू किया था, हम साथ में बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेट हुए थे। मिशाल ने सुशांत केस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि सुशांत केस बड़ा पेचीदा है, इस बारे में कुछ बोलकर मैं फंसना नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहूँगा कि जहाँ बड़ा पैसा है वहाँ ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सी है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।